यह आया राम यह गया राम, हम दोनों का है बस एक काम। यह आया राम यह गया राम, हम दोनों का है बस एक काम। जीने के लिए हम खाते नहीं, खाने के लिए हम जीते हैं। जीने के लिए हम खाते नहीं, खाने के लिए हम जीते हैं। जेल में सब कुछ फोकट का खाते हैं और पीते हैं। हाँ, जेल में सब कुछ फोकट का खाते हैं और पीते हैं। जेल में है जिंदगी, जेल में है जिंदगी, जेल में है जिंदगी, जेल में है जिंदगी, जेल में है जिंदगी। जो भी इस जेल में होता आया है मेरे रहते नहीं चलेगा, क्योंकि मैं और जेलरों से जरा हटकर मेरे काम करने का अंदाज कुछ अलग है। टेढ़े से टेढ़े कैदी को कैसे औकात में लाया जाता है ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम लोग किस खेत की गोभी हो? अब गोभी नहीं मूली होती है। मुझे पता चला है इस जेल में ज्यादातर कैदी मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए तुम लोग? नहीं समझे। सरकार ने मुझे तुम जैसों को औकात में लाने के लिए भेजा है। जेलर ओके सिंह के सामने बड़ों बड़ों का पैजामा गीला हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे। जेलर ओके सिंह नाम है मेरा, समझे? समझ गया साहब, आपका नाम ओके सिंह है। खूब समझ गया साहब। आवाज नहीं समझे। कबड्डी 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 कबड्डी। हेलो भगाओ भगाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। शाबाश बेटा, भगाओ मेरे साहब। अरे हम तो कहते हैं नया जेलर है ना बहुत कड़ा का, कोई नई समस्या ना खड़ी कर दे। गया राम, ये हर नए जेलर की ड्रामेबाजी होती है, और ये पैतरेबाजी करना हो तो इनसे डरेगा कौन? अरे हमें उसके रूबीले चेहरे पर तो कोई ड्रामेबाजी नजर नहीं आती। चेहरा तो इतना भयानक है जब से मैंने देखा है। अरे मेरी नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, मेरा तो दम निकलना है। देख जयराम, तेरी हर बात मुझे पसंद है, तेरी ये टोन भी मुझे पसंद है, लेकिन ये तेरा डरपोक चेहरा मुझे बिल्कुल ना पसंद है। तुमसे किससे कहा कि हम डरते, किससे कहा कि हम डरते? हम तो जेलर से भी नहीं डरते, हवलदार थानेदार किसी से नहीं डरते। हम तो तुमसे डिस्कशन कर रहे थे, राय ले रहे थे उस जेलर के लिए। अच्छा छोड़िए बातचीत, ये बता हम लोग किस काम पर जा रहे थे? अरे अब तुम याद करो, जब से हम लोग जेलर की शक्ल देखी हम तो सब कुछ भूल गए। हाँ याद आया, हम जा रहे थे रुस्तम उस्ताद के पास। चल हेलो उस्ताद, उस्ताद अभी बिजी हैं, आधे घंटे बाद फोन करना। हेलो, कौन? तेरा बाप। उस्ताद, आपका फोन। उस्ताद कौन है बे? पता नहीं उस्ताद। मैं बहुत मुसीबत में हूँ उस्ताद, प्लीज मेरी मदद करिए उस्ताद। अबे तुझसे कितनी बार कहा कि आराम के वक्त डिस्टर्ब मत किया। तू तो जानता है कि जब उस्ताद को आराम करना होता है तो उस्ताद जेल में आता है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत उस्ताद को जेल में ला सकती है। भला हमें यार क्या बताई, जैसे जेल तो अपना ससुराल, महीने दो महीने में आना जाना लगा रहता। एक आदमी को चाकू मारा, वो टपक गया तो लंबा आ गया। हमें हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मैं यार मैं लवर्स पार्क गया था घूमने के लिए, वहाँ एक लड़की मिली, फिर वो हमें कोने में ले गई। फिर यार क्या बताया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया अपने को और इधर ला के डाल दिया। मेरा बाप भी लेना, उसको 100 लाठी मारेंगे। अबे टाइम भी पूरा लिया और काम किया आधा अधूरा। अरे वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने क्या जिंदगी इनको दी, ऐसी ऐसी। ऊपर वाले ने हमको क्यों नहीं ऐसी जिंदगी दी? हमने उल्लू के पट्टे, ऐसी मौज मस्ती पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसी बातें जो होती है ना, तुम हमको पहले क्यों नहीं बताते? हम भी ऐसे पापड़ बेल के इधर मसाज और ये सर्वर भी दबा रहे होते हैं और तुम ही दबा रहे होते। ना मकुल, ये वो पापड़ बेलना नहीं है, ये दुनियावी पापड़ बेलना है, समझा तू? दुनियावी पापड़? कोई पापड़ की नई कंपनी खुली है क्या? अरे हम जाएंगे जेल से सबसे पहले निकल के उस पापड़ कंपनी में जाकर पापड़ मिलेगी, इधर उधर बेल के हम भी बन जाएंगे उस्ताद। तेरे भेजे में कुछ नहीं जाएगा। अरे देख लो, तुम आज हमें मार रहे हो ना, एक दिन तुम मेरे पैर दबाओगे तो मैं उस्ताद बन जाऊंगा, दबा दूंगा। आया राम भाई, वहाँ के खड़े हैं, यहाँ आइए। सलाम उस्ताद। खुश रहो, आबाद रहो। आओ आओ मेरे गाल आओ। कहो उस्ताद, बताइए साले को ये मौज मस्ती वाली जिंदगी के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, साला समझता ही नहीं है। बेटा तू भी उस्ताद बनना चाहता है क्या? तौबा तौबा।